की जनरेशन की म्यूजिक की बात करें, कहीं ना कहीं हर आदमी देखता है कि सोल मिसिंग है, बहुत गाने चल नहीं पाते, लेकिन आपकी जनरेशन की जो म्यूजिक थी वो है, रहेगी और आपको लगता है हमेशा रहेगी, तो आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि बहुत सारा अच्छा संगीत इस दौर में अच्छा हुआ है. क्या होता है कि सिर्फ वो आइटम सॉन्ग्स पे नज़र जाती है, लेकिन विशाल शेखर, शंकर एहसान लॉय, सलीम सलेमान, प्रीतम, इन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. यू कैन नॉट डिनाय बिकॉज उनके वो गानों पे आप तवज्जो दें जो उन्होंने मेलोडी बेस से बनाए हैं, तो बहुत अच्छा. अब यंग जनरेशन जो है, जो डांस करना चाहती है, जो EDM म्यूजिक सुनती है, जो R&B सुनती है, तो ऐसा नहीं है कि उनका सोल म्यूजिक नहीं बना है. सोल म्यूजिक बहुत अच्छा बना है और मुझे लगता है कि सब हर पीढ़ी की अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है और जैसा ऑडियंस सुनना चाहता है उस तरह की गहराई शायरी की, उस तरह की शायर भी नहीं रहे जो आदित्य थे. लेकिन आज के दौर में भी ऐसे बहुत सारे शायर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपने अपने ऑडियंस को टारगेट किया है, अपने अपने लोगों के लिए उन्होंने संगीत बनाया है. और हम लोगों को हर अच्छी चीज़ के ऊपर अप्रिशिएशन करनी चाहिए जो अच्छा म्यूज़िक हुआ है, और जो म्यूज़िक यंगस्टर्स के लिए डांस म्यूज़िक बनाया गया है, EDM म्यूज़िक बनाया गया, तो वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते, वो तो हो गए क्योंकि उन बच्चों को म्यूज़िक सुनना है, वो वर्ल्ड म्यूज़िक सुन रहे हैं. लेकिन इंडियन बॉलीवुड के अंदर जब भी मेलोडी आएगी, जब भी सोल म्यूज़िक आएगा, वो सक्सेसफुल होगा ही. सर अभी आने वाली फिल्म सुना है कि आपको कोई फिल्म आ रही है? मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ, द वाइट लैंड, शायद उसका टाइटल चेंज हो जी. उसमें जावेद अख्तर साहब के साथ मेरा मतलब पार्टनरशिप है और बहुत बरसों से मेरी ड्रीम थी, तो आई होप कि ये म्यूज़िक डेफिनेटली वो दिनों की आपको याद दिला दे जो गुजरे हुए ज़िंदगी के, जो हसीन संगीत के, जो बॉलीवुड के पल थे वो शायद, बिकॉज प्योर इंडियन है और इसके अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ नहीं की है, एकॉस्टिक म्यूज़िक यूज़ किया है और इंडियन स्टाइल का म्यूज़िक यूज़ किया है, तो आई होप पीपल लाइक. सर बहुत ज़माने के बाद सर लोग का आपके ब्रदर की भी बात की है, तो खुशी जी उस तरह के संगीत की आज भी अभी सर की मिल रही है, तो मुझे भी उम्मीद है कि आपकी ही फैमिली से ये संगीत आ रही है. आप मेरे को यकीन है पूरा कि ये संगीत जब आएगा तो डेफिनेटली लोगों के दिल में कुछ होगा. सर वो तो किस किस तरह के मतलब चैन हो रही है इस म्यूज़िक में, किस तरह? मेलोडी मैंने आपको कहा कि हाँ, इंडियन बेसिक मेलोडी के ऊपर किया है और बिल्कुल ही उसका साउंड इस तरह से नहीं है कि आप सोचेंगे कीबोर्ड से बनाया गया है, नहीं, तो वो एकॉस्टिक है, तो बहुत बड़ा चैलेंज हमने यूज़ किया उसके अंदर, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, तो एक चैलेंज है कि सर आज की जनरेशन कैसे अडॉप्ट करेगी, कैसे करती है. आई थिंक होप इट विल बी गुड, इट शुड बी गुड फॉर एवरीबॉडी. थैंक यू सर. थैंक यू.